हेलो बच्चों, आज हम पहचान हमारी भाग एक के सारे उत्तर देखने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, पढ़ो और लिखो समझो, इसमें दिया हुआ है ए अधिक अ। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर शब्द देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ आगे दिया हुआ है अ की मात्रा के शब्द, आ के मात्रा के शब्द जो अंडरलाइन करके रखे हुए हैं, रेड पेन से लिखे हुए जो है उसमें अंडरलाइन करके दिया हुआ है। आ के मात्रा के सारे शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो पहली इकाई जो ई होती है वो, और दूसरी ई, दोनों के भी यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। तो रिपीट करके यहाँ मैंने लिखे हुए हैं और उसे अंडरलाइन भी किया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे कौन से शब्द जो हैं वो दूसरी ई वाले हैं और पहली ई वाले हैं। छोटी ई और बड़ी ई, जिसे हम कहते हैं छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे उकारांत शब्द है ऊ की मात्रा वाले, तो इसे भी यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। रेड लाइन, रेड पेन से लिखे हुए जो शब्द आप देख रहे हो उसमें अंडरलाइन करके दिया हुआ है। उसके बाद नीचे दिया है प्रत्येक पंक्ति से सही और सही वर्तनी वाले शब्द, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है जो करेक्ट वर्ड है उसे अंडरलाइन कर दिया है, टिक मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे मैच करने के लिए दिया है, जो चित्र दिए हैं उसके साथ में उनके नामों को हमें मैच करना है। तो सारे शब्द मैंने यहाँ पर मैच करके दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हो टमाटर, चारपाई, इस तरह से आगे के बगुला। ठीक है, बहुत ही आसान, आप लोगों को ये वर्कशीट पूरी तरह से मैंने सॉल्व करके बताई हुई है। और जो कठिन शब्द आए हुए हैं पहचान हमारी में से, वो सारे शब्दों के यहाँ पर मीनिंग दिए हुए हैं और इंग्लिश के वर्ड्स भी दिए हुए हैं। जैसे बछड़ा मतलब होता है गाय का बच्चा, काफ दमकल मतलब आग बुझाने की गाड़ी, कटहल मतलब एक तरह का फल जिसे हम जैक फ्रूट कहते हैं, शलगम एक तरह की सब्जी होती है जिसे हम इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। आपने देखा होगा जो वाइट कलर का नीचे का और ऊपर लवेंडर कलर के जैसे होते हैं, वॉयलेट कलर टाइप में। उसके बाद उड़न खटोला मतलब क्या होता है, एक प्रकार का हवा में चलने वाली गाड़ी, उसे उड़न खटोला कहते हैं। जुगनू जो रात के समय में चमकने वाले रोशनीदार कीड़े, जिसे हम फायरफ्लाई कहते हैं। ठप्पा मतलब क्या है, मुहर, स्टैम्प। चमगादड़, ये एक प्रकार का पैरों के सहारे लटकने वाला जीव है जिसे हम बैट कहते हैं। हथेली मतलब हाथ के बीच का हिस्सा, पाम। घट मतलब मटका होता है जिसे हम पॉट कहते हैं इंग्लिश में। चमगादड़ आपने देखा होगा झाड़ के ऊपर रात के समय पर दिखाई देता है, उल्टा लटका हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।